हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मिसेस वर्मा। और मैं आज आपके लिए एक न्यू सी वीडियो लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैं आई हुई हूँ बाहर, लक्स सलून है ये। और यहाँ पे मैं क्या करवाने आई हूँ, अपने बालों को चेंज। और मैं करवाने कुछ और गई थी लेकिन उन्होंने कर कुछ और दिया, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने पहले ही बोला था आप अपने बालों का टेक्स्चर दिखा देना तो हम डिसाइड कर लेंगे क्या करना है, स्मूथनिंग करानी है, रिबॉन्डिंग करवानी है, क्या करवाना है। तो मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो चुके थे, जैसे कि मैंने कलर करवाया हुआ था तो बहुत ज़्यादा रफ़ हो चुके थे, इसलिए उन्होंने बोला कि आप कैरेटिन करवा लो। तो इसलिए मैं कैरेटिन करवा रही हूँ। और यहाँ पे वॉश हो रहे हैं मेरे हेयर। इन्होंने बोला कि हम लोग करके आए थे तो उन्होंने बोला नहीं, कैरेटिन का अलग से शैम्पू होता है, तो वो हम धो रहे हैं, वॉश कर रहे हैं बालों को। तो अच्छे से उन्होंने वॉश किया इसको लगा के शैम्पू को, जो 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया था, 15-20 मिनट के लिए मैं ऐसे ही बैठी रही। गाइस, मैं अपने बालों से ना तंग आ गई थी, ऊपर जच रहे हैं, नीचे जच रहे हैं। वैसे मैंने पहले भी करवाई थी, पहले तो बहुत अच्छी लगती थी, अब यहाँ पर पहली बार आई हूँ, देखते हैं कैसे करते हैं, अच्छी करते हैं। और उन्होंने बोला मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं इसलिए मुझे कैरेटिन करवानी चाहिए। तो इसलिए मैं वैसे करवाने स्मूथनिंग हुई थी और अब कैरेटिन करवा रही हूँ। आई होप सो कि अच्छी लगे। तो गाइज़, यहाँ पे मैं वेट कर रही थी 15-20 मिनट। सो गाइज, यहाँ पे बहुत वेट करने के बाद उन्होंने मेरा हेयर वॉश कर दिया। तो यहाँ पे अब वो ड्रायर कर रहे हैं मेरे बालों को ड्रायर से। तो 50-60% ये बालों को सुखाते हैं ड्रायर से। और उसके बाद इन्होंने मेरे पे अप्लाई किया था जो भी ये क्रीम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पार्ट्स में डिवाइड कर लिए थे मेरे बालों को। मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो चुके थे और फ्रिजी बालों का ये कैरेटिन करवाना बहुत ही अच्छा होता है। उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि आपके बाल बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो गए हैं, क्योंकि मैंने ये ब्लॉन्डी कलर करवाया हुआ था। बोले कि कॉफ़ी कलर करवा लेते या बहुत पर्पल कलर है चला आजकल, रेड कलर चला हुआ है, तो आप वो करवा लेते, लेकिन जो ब्लॉन्डी कलर करवाने से बाल बहुत ही रफ़ होते हैं। जो मेरे रूट्स थे वो बहुत ही अच्छे बाल हैं वहाँ पे, तो वो बोले ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो नीचे से बिल्कुल ख़राब हो चुके थे। सो इसलिए मुझे कैरेटिन करवाना पड़ा, नहीं तो मैं रिबॉन्डिंग करवाने ही गई थी, स्मूथनिंग प्लस उन्होंने बोला कि कैरेटिन करवा लो दोनों चीज़ें। बट मैंने उनको बोला नहीं, पहले आप कैरेटिन कर दो, क्योंकि मेरे बाल जो हैं बहुत ही ज़्यादा रफ़ हैं, शाइनिंग आ जाएगी बालों पर, तो इससे ज़्यादा नुकसान भी नहीं है, क्योंकि आजकल बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तकरीबन सबको ये प्रॉब्लम होती होगी, मुझे भी थी, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। आप देखो थोड़े से बाल ही बच गए अब, इसीलिए मैंने वो दोनों चीज़ें करवानी नहीं ठीक समझी, तो मैंने बोला उनको कैरेटिन कर दो आप, ताकि बाल अब अच्छे से हो जाएंगे। वो उन्होंने बोला 5-6 मंथ तक आपके बाल बहुत अच्छे ऐसे ही रहेंगे, मतलब स्ट्रेट रहेंगे, बट शाइन जो है वो आपकी रहेगी जब आप बालों का पूरा ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे उन्होंने बन बना के
इसको पूरी तरह से कवर कर दिया था प्लास्टिक पेपर से, क्योंकि जो मास्क है वो हमारा ऑब्जर्व कर चुके बाल उसको, और बाल अच्छी तरह से हो जाए, शाइनिंग वगैरह आ जाए। तो उन्होंने तकरीबन इसको मेरे ख्याल से दो तीन घंटे ऐसे ही मुझे रखा था। हाँ, 2 घंटे तो लग ही गए थे। तो ऐसे ही उन्होंने बन बना के ऊपर लिफाफा पॉलिथीन चढ़ा दिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा लक्स सलून जाके। मैं पहली बार वैसे गई हूँ यहाँ पे, मैंने तकरीबन पार्लर से ही करवाया है, तो सलून में और जेंट से पहली बार करवाया है बालों को, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छे से वो कर रहे थे और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बैठे हुए थे, अच्छे अच्छे बोल रही हूँ, और लेडीज़ बैठी थी, उनके बाल काफ़ी अच्छे अच्छे उन्होंने बना दिए थे। आके आई थी जब क्या थी और बन के गई, वाओ सो ब्यूटीफुल, बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे सबके। तो बहुत ही अच्छा करते हैं ये काम, मुझे बहुत पसंद आया। इसके बाद उन्होंने बोला है कि आप 2 दिन के बाद आना और बालों को बिल्कुल टाई अप नहीं करना, कोई सुई वगैरह नहीं लगानी, कान के पीछे नहीं करने, तो ऐसे ही आपने रखने हैं बाल। बालों के करके तो मैं पागल ही हो गई थी, ऐसे ही बाल रखे खुले, बिल्कुल खुले, कोई पिन नहीं लगानी, बालों को टाई अप बिल्कुल नहीं करना, ऐसे ही रखने हैं। तो मैं सोई भी नहीं रात को अच्छे से। तो नेक्स्ट डे उन्होंने बोला कि आपको 3rd डे आना है, 3rd डे आके हेयर कट होगा और उसको वॉश भी करेंगे बालों को, तो सब कुछ होगा। तो वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। सब कुछ हो चुका है, बाल बहुत ही अच्छे हो चुके हैं, मैं आपको दिखाऊंगी उसका सेकंड पार्ट भी। तो आपको फर्स्ट पार्ट में ही सब कुछ दिखा दूंगी, तो थोड़ा बहुत है जो वो सेकंड पार्ट में आएगा। तो यहाँ पे जो मास्क था वो धूला नहीं है, और ये इसको ड्राई कर रहे हैं मास्क को, क्योंकि बाल अभी गीले थे तो ड्राई कर रहे हैं मास्क अच्छी तरह से यहाँ पे लग जाए बालों पे। और इसके बाद उन्होंने क्या, मैं ये बता रही थी कि ये ना आँखों में बहुत पड़ रही थी, तो मैं इनको बोल रही थी कि आँखों में पानी आ रहा है इस क्रीम से, बहुत गंदी स्मेल सी भी आ रही थी। तो वो बोले नहीं आता ही होता है, ऐसे आते ही, आप आँखें बंद कर लो। तो ड्राई हो चुके थे बाल, अब उन्होंने इस पर करा था स्ट्रेट बालों को स्ट्रेटनर से। वो मेरे से क्लिप जो है वो बनी नहीं शायद, ओके ही नहीं हुआ होगा कैमरा। तो यहाँ पे उन्होंने क्लिक भी की थी, वो बोले कि हम लेते हैं पिक, तो उन्होंने क्लिक की, और यहाँ पे मैं भी ये भी बना रहे हैं वीडियो। तो ये था स्ट्रेट करने के बाद बालों का हाल, आपको दिखा देती हूँ। आप सबको पता है जैसे मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा रफ थे, फ्रीजी थे, बहुत ही गंदे वाले बाल हो चुके थे। तो अब मुझे मेरे बाल बहुत ही अच्छे लग रहे थे। जब बाल गंदे थे तब भी मैं बालों में हाथ फेरती रहती थी, मेरी आदत है। और अब देखिए गाइस, बाल इतने सिल्की सॉफ्ट स्मूथ हो चुके हैं, तो बालों में हाथ क्यों ना जाए। बहुत ही सिल्की लग रहे थे बाल, मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत पसंद आया। तो वो बोल रहे थे कि अगर आपने चेयर पर बैठना है तो ऐसे पार्ट करके बालों को एक तरफ आगे, दूसरी तरफ से भी आगे करके, पीछे नहीं छोड़ने हैं, तो ऐसे बैठना आपने। तो इसलिए मैंने आगे किए हुए थे बाल। तो आप बताना गाइस कि आपको कैसा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लग रहा था कि ये कलर चला जाएगा, लेकिन गया नहीं, कलर है बालों पे। वो बोले थे ऐसे ही रहेंगे आपके बाल, तो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। अब तो बालों से हाथ बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाएगा, अब तो बालों पे ही रहेगा मेरे हाथ। इनका रिएक्शन बहुत ही अच्छा वाला था, उन्होंने बोला कि वाओ यार तेरे बाल कितने सुंदर लग रहे हैं। खुश हो गए देख के। सो गाइज, मैं घर पर पहुंच चुकी हूँ और आप देख सकते हो मेरे बाल कितने सुंदर लग रहे हैं, वाओ। बहुत गंदे हो गए थे, तो मैंने ये करवाया है केराटिन बालों पे, बहुत सॉफ्ट हो गए हैं बाल। आई होप कि ऐसे रहे, बहुत अच्छा लगेगा अगर ऐसे रहेंगे तो।